फ्रेंड्स, मैं अभिषेक मिश्रा अपने इस यूट्यूब चैनल गोपाल स्टडीज में आप सभी विद्यार्थियों का फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष एक स्टैटिस्टिक्स का, जो कि मैथमेटिक्स का एक पार्ट है, स्टैटिस्टिक्स का मेन चैप्टर का कुछ क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करूंगा, उसको सॉल्व करूंगा और आपको समझाने का प्रयास करूंगा। आप मेरे इस एपिसोड को देखिए, अगर पसंद आए आपको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द और पहले मिल सके। आइए फ्रेंड, ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आपके समक्ष स्टैटिस्टिक्स 10वीं क्लास की कुछ क्वेश्चंस को आपके सामने सॉल्व करूंगा। आप ध्यान से देखें और अपने पुस्तक की में इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करें। मैं आगे मीन का और भी कुछ विधि बताऊंगा, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आने वाला होगा। तो फिलहाल आप इसको देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। क्लास 10वीं में एक चैप्टर का पार्ट है मीन। मीन का मतलब होता है माध्य, एंड फर्स्ट मेथड इज डायरेक्ट मेथड, सेकंड मेथड इज शॉर्टकट मेथड, एंड थर्ड मेथड इज स्टेप डिविएशन मेथड। हियर इज द क्वेश्चन ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप्स, फाइंड द मीन ऑफ दीज आइटम्स 2, 0, 3, 2, 4, 1, 5, 3, 2। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ स्टैटिस्टिक्स, एंड द फॉर्मूला इज मीन इज इक्वल टू सम ऑफ द ऑल ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। दैट मीन्स सभी चरों का या सभी आइटम को जोड़ना है, और जितने चर हैं या आइटम हैं वो सभी को जोड़ के उतने आइटम से डिवाइड कर देना है। हमने भी यहां वही किया। देखिए, 2 + 0 + 3 + 2 + 4 + 1 + 5 + 3 + 2, और हमने टोटल किया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। टोटल को 9 से डिवाइड कर दिया तो अप्रोक्सीमेटली 2.44 हमारा ये मीन निकला। ये तो फ्रेंड था ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ मीन। नाउ वी हैव द क्वेश्चन इज क्लास वैल्यू ऑफ मीन। क्लास वैल्यू से रिलेटेड भी मीन आ सकता है, तो आइए क्लास वैल्यू से रिलेटेड जो मीन है उसको सॉल्व करते हैं। द क्वेश्चन इज क्लास वैल्यू रुपीज इन लाख। उसके बाद तो रुपीज इन लाख, देखिए ये फ्रीक्वेंसी का टेबल है। फ्रीक्वेंसी का टेबल पहचानने के लिए क्या करना होगा, हमें देखना होगा कि ना तो वो असेंडिंग ऑर्डर में हो और ना डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। अगर वो मान लीजिए ऊपर नीचे है या उलट पुलट है, दैट मीन्स दीज आर फ्रीक्वेंसी। क्लास वैल्यू माने वर्गों का अंतर, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और फ्रीक्वेंसी है 5, 8, 3, 2, 2। तो मिड वैल्यू निकालेंगे। इसमें सबसे पहले मिड वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिविजिबल बाय 2। ये फॉर्मूला जो है ये क्लास वैल्यू से रिलेटेड है। यहां अपर लिमिट है 10 और लोअर लिमिट है 0। 10 + 0 डिविजिबल बाय 2, दैट मीन्स 5। मिड वैल्यू में पहला आपका आ गया 5, इसको एक्स इंडिकेट करते हैं। नेक्स्ट है 20 + 10 = 30 डिविजिबल बाय 2 यानी 15। उसके बाद है 50 डिविजिबल बाय 2 यानी 25। इसी तरह आपका मिड वैल्यू निकल जाएगा। जब मिड वैल्यू आपके पास आ गया तो ये एफ और एक्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। बुक में ये एक्स और एफ को किसी और चीज से इंडिकेट किया जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि ये मेथड अलग है वो मेथड अलग है। बहुत से विद्यार्थियों के कंफ्यूजन है कि इस मेथड में वो चीज नहीं लिखा है जो बुक में है, तो ये उनका कंफ्यूजन है। बोथ आर सेम मेथड, दोनों मेथड में कोई डिफरेंस नहीं है, केवल आपका सिंबल में डिफरेंस हो सकता है, बट दे आर करेक्ट। आप एक्स इंटू एफ को मल्टीप्लीकेशन किए, 5 × 25 = 8 × 15 = 120, 3 × 35 = 75, 2 × 35 = 70, then 2 × 45 = 90. Now the formula of mean is equal to sigma xf by sigma f. Now sigma xf is equal to 380 and sigma f is 20. 0, 0 काट दिए या डिवाइड कर दिए तो मीन आपको मिला 19। That means this is the
क्वेश्चन रिलेटेड टू द क्लास वैल्यू ऑफ द स्टैट क्लास मीन। ये जो सवाल था ये क्लास वैल्यू से रिलेटेड था जो कि डायरेक्ट मीन है। अब मैं आपको अगले क्लास में, उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे, अगले क्लास में मैं आपको शॉर्टकट मेथड, स्टेप डिवीजन मेथड और कुछ फ्रीक्वेंसी और डिवीजन में कुछ जो है कि नया बताऊंगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको हमारा ये क्लास पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये क्लास पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आगामी आने वाली जो हमारी वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले। धन्यवाद।